सब्सक्राइब कीजिए यास्मीन हुमा खान को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ हरी मिर्च का अचार। और हरी मिर्च का अचार वैसे तो हर सालन के साथ में रख सकते हैं, पराठों के साथ में खाया जाता है, आप लंच में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी थोड़ी तीखी कम है तो इसके साथ में आप अचार को रखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम मिर्चें ली हैं और इनको मैंने बीच में से इस तरह से स्लेट कर लिया है इस तरीके से, और इसको मैंने 3-4 घंटे धूप में रख दिया ताकि इसमें जो नमी होती है वो नमी ख़त्म हो जाए। और मैंने इस तरह की मोटी मिर्च ली है, ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती तो इसलिए मैंने ये मोटी मिर्च ली है। 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसको हम पका कर डालेंगे। और 2 लेमन का जूस, इसको मैंने निकाल लिया है, 2 लेमन का जूस है ये। और मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून राई, ये काली वाली राई है जो सरसों के बीज होते हैं, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, 2 पिंच अजवाइन और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो सबसे पहले हम जो खड़े मसाले हैं हमारे सौंफ धनिया, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे और मोटा मोटा दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तो पहले हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे सारे मसाले को। हल्दी और सॉल्ट मैंने छोड़ दिया है, इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यह जब तक भूनेंगे जब तक कि इस मसाले में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए, इनका सा हल्का सा कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद में दरदरा सा पीस लेंगे। और इसी पैन में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे ताकि हमारे ऑयल में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसमें इतना गर्म करना है कि इसमें से धुएँ निकलने लगें, उसके बाद में हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें से अच्छे से धुएं निकल रहे हैं, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मसाले को हमने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया हमने। इसी में हम ऐड कर देंगे हल्दी और सॉल्ट, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में हम इसमें ये मसाला सारा मिर्चों के अंदर ऐड कर देंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मिर्चों में। अगर आपके हाथों को मिर्चें लगती हैं तो आप चम्मच से काम कीजिए केयरफुली। ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे हींग, और हींग के साथ में इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। मिर्चों में हमने अच्छे तरीके से मसाला मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे लेमन जूस और ऑयल। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ ताकि मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मिर्चों के अंदर मिक्स हो जाए इस तरीके से। मिर्चों में हमने मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और इसे 3 दिन थोड़ी थोड़ी धूप दिखा दीजिए, उसके बाद में अचार आपका खाने लायक हो जाएगा। अचार को हमने एक एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है, इसको हम 3 दिन तक धूप में रखेंगे, उसके बाद में अचार हमारे खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। अगर आपको अचार निकालना हो तो फिर आप साफ़ चम्मच का यूज़ कीजिए, चम्मच हमेशा साफ़ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तो आप इसमें विनीगर का यूज़ कीजिए, विनीगर से भी अचार ख़राब नहीं होता। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।